सालों साल से हिंदी सिनेमा में कई नामी गिनामी हस्तियों ने अपना परचम लहराया है। इसमें से कई ऐसी हस्तियां भी थी जिनका नाम सुनते ही आज भी सिने प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और साथ ही ये याद कर आंखें भी नम हो जाती हैं कि आज वो जिंदा दिल इंसान हमारे बीच नहीं है। भारतीय सिनेमा जगत में आज भी किसी की मूछें बहुत मशहूर हैं तो वो है फिल्म शराबी के चर्चित किरदार नत्थू लाल जी की। जी हाँ, आज मैं स्वाति बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ बहुचर्चित हास्य कलाकार और बेहतरीन अभिनेता मोहम्मद उमर मुकरी साहब के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से। तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं तो खुद बीमार हूँ सरकार, ये देखिए। ये किस घसियारे को उठा लाए हो तुम? सरकार, मैं घसियारा नहीं हूँ, मैं और मेरा बाप दोनों गधे बेचा करते थे, सो उसमें भी घाटा हुआ। तो यहाँ तुम गधे खरीदने आयो? जी सरकार। क्या कहा? मेरा मतलब है, नहीं सरकार, मैं तो अपने गुरु का तानपुरा लाया हूँ। कौन गुरु? शहंशाह है महाराज गाने मुस्के, वो बादशाह है उस्ताद आले बंदूकी, आली जाहे जय जयवंती, आलम पनाए ठुमरी, खुदावंदे झंझूटी, वाले शान वाले बान वाले आन वाले तान, संगीतकार महाराज कोहे नूर बाबा, हम उन्हीं का तानपुरा लाए। तानपुरा क्या करेगा बेवकूफ गधे? देखिए सरकार, मैं शुद्ध गाली का बुरा नहीं मानता, पर अशुद्ध गाली में नहीं सहन करूंगा। मैं अछूत निश्चय हूँ, पर समय बदल चुका है, इस विचित्र तानपुरे का चमत्कार आपको ठीक आधी रात के गजर बजने पर नजर आएगा, जबकि पूरब की घाटियों से चंद्रमा निकलेंगे, तब इन तारों की झनकार से मुरझाए हुए फूल नीरज छोकरियों के समान अंगड़ाई लेके जाग पड़ेंगे, शांत मुर्दा दिलों में मोहब्बत की धम्माल होने लगेगी और बेजान कलियां जिंदा हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब ये सर हाजिर है, काट कर कचरे के टोकरी में डाल दीजिए। मुकरी साहब का जन्म 5 जनवरी 1922 को मुंबई के पास अलीबाग में हुआ था। वो कोंकणी मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। ये बात काफी मशहूर है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार और मुकरी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दिलीप साहब मुकरी जी के सीनियर थे, लेकिन उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक भरा पूरा परिवार होने के चलते मुकरी साहब के घर में पैसे की बहुत तंगी थी। एक बार दिलीप साहब से उनकी मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी परेशानी दिलीप साहब के सामने रखी। तब दिलीप साहब ने बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से उन्हें काम देने की सिफारिश की, जिसके बाद बॉम्बे टॉकीज में बतौर जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर मुकरी साहब ने अपने करियर की शुरुआत की और साथ ही एक्टिंग की दुनिया में भी अपने पैर जमा लिए। अपने करियर की शुरुआत ही इन्होंने दिलीप साहब के साथ की और दोनों की जोड़ी को भी बड़े पर्दे पर दर्शकों ने खूब पसंद किया। मुकरी साहब शुरू से ही काफ़ी मजहबी किस्म के व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके घर में काफ़ी धार्मिक माहौल रहा करता था। बच्चों को ये कुरान पढ़ाने के साथ धार्मिक गतिविधियों में भी व्यस्त रहा करते थे। उनके घर में उनके बच्चों को फिल्में तक देखने की इजाज़त नहीं होती थी। 50 साल के अपने लंबे करियर में मुकरी साहब ने लगभग 600 फिल्मों में काम किया और फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग के लोग आज भी कायल हैं। अमर अकबर एंथनी के तैयब अली हों या फिर शराबी के नत्थू लाल की प्रसिद्ध मूछें, उन्होंने हर किरदार को बड़े पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से उतारा है। उनके बारे में किस्से तो कई मशहूर थे, लेकिन एक बार महबूब खान साहब फिल्म आन बना रहे थे जिसमें दिलीप साहब बतौर हीरो काम कर रहे थे। उस फिल्म में एक छोटा सा रोल मुकरी साहब का भी था। फिल्म की शूटिंग आउटडोर में थी जिसके लिए पूरी यूनिट को बाहर जाना था। सबके लिए कमरों की व्यवस्था हुई, लेकिन मुकरी साहब को तो अपने बचपन के दोस्त दिलीप कुमार के कमरे में ही रहना था। रात में गलती से वे दिलीप साहब के कमरे की जगह फिल्म की हीरोइन नादिरा के कमरे में घुस गए। इसके बाद नादिरा चिल्लाई और वहां एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जिस पर दिलीप साहब ने सबको शांत करा, मामले को खत्म किया और मुकरी साहब के लिए अलग कमरे की व्यवस्था करवाई।
इसके बाद उन्होंने मुकरी साहब को समझाया कि साहब आपको इस तरह की शरारतें शोभा नहीं देती हैं। मल्ली आ रहे हैं पिताजी। बेटी बेटी कैसी है बेटी? आइए पिताजी, आइए आइए, उस कुर्सी पे बैठे। मेरे ठीक हो मेरे बेटी के पास? अच्छा पिताजी, आपने आने की खबर तक नहीं दी। अरे बेटी कैसे खबर करता, न तेरी कोई चिट्ठी न पत्र, आखिर घबरा कर मैं खुद ही चला आया। आपका घर आप जब चाहे आ सकते हैं। मेरा नवासा कब आने वाला? अरे बस समझिए कि आया ही आया, आया ही आया। फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी मुकरी साहब काफी जिंदा दिल व्यक्ति थे। अपनी पार्टियों के दौरान भी वे कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही देते थे कि पूरी महफिल हंसी से गूंज उठती थी। उनके बुढ़ापे के दिनों में मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें अपने एक सीरियल के लिए काम ऑफर किया था, लेकिन मुकरी साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि उनको लगता है कि वो अब इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, ऐसे में वो नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो। बॉलीवुड में सिर्फ दिलीप साहब ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और नरगिस जैसे मशहूर कलाकारों से मुकरी साहब के काफ़ी अच्छे संबंध रहे। मुकरी साहब की बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि कई सालों तक तो वो नरगिस को अपने पिता की सगी बहन ही मानती थी। मुकरी साहब के हर सुख दुख में नरगिस आखिरी दम तक उनके साथ खड़ी रही। हंसते खिलखिलाते इस महान नायक ने 4 सितंबर 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली और पहली बार इस दुनिया में अपने किरदार को खत्म कर उन्होंने सबकी आंखें नम कर दी। सदी के इस महान कलाकार को बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन।